40 एकड़ कृषि भूमि की नीलामी 11 लाख रुपए लगती है। अगर इससे ज्यादा कोई बोली लगाना चाहता है तो तहसील कार्यालय थानागाजी में पधारे। के बाद भी जमीन कुर्क की जा रही है जबकि सरकार ने ये कहा था कि हम इनका खर्चा माफ करेंगे। मुख्यमंत्री से मिलना है, मुख्यमंत्री से मिलवा दो हमको एक बार। पिताजी के ऊपर बैंक वाले बार बार दबाव डाला और हमारा पिताजी ने आत्महत्या कर ली। सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये नीलामी देखो सर, आप लोग की नीलामी की नोटिस? हाँ बिल्कुल नोटिस दिए सर। साठ % लोग ऐसे हैं सर जो लोन नहीं चुका पा रहे। हाथ में अपनी ही जमीन की कुर्की नीलामी का नोटिस, लेकिन ये मत सोचिए कि बोली सिर्फ किसान की जमीन की लग रही। दिल में घबराहट लिए सब कुछ खत्म हो जाने के डर में जीते राजस्थान के ये वो किसान जो अपने जिले में अपनी ही जमीन से बेदखल किए जा रहे, लेकिन मत सोचिए कि सिर्फ बोली किसान के अरमानों की लग रही। जिन्हें राजस्थान में मुख्यमंत्री से मिलकर गुहार भी लगाने नहीं दिया जाता, क्योंकि बोली किसान की जमीन की नहीं, बोली उस वायदे की लग रही है जो 3 साल पहले सत्ता हासिल करने के मकसद से किया गया। कांग्रेस के बाद बाकी नेता बैठे हैं, मैं इसे आपसे कह रहा हूँ, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उसके बाद 10 दिन गिनना, 11 नहीं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करके दिखा देंगे हम। क्यों करेंगे? क्योंकि आपका हक है, ये हम आपको कोई 10 9 8 7 छोड़िए, हालत राजस्थान की ये हुई कि सत्ता मिलने के 3 साल बाद भी अलवर से दौसा तक किसानों की जमीन कर्ज न चुकाने पर बैंक वाले आकर नीलाम करने लगे। अलवर में 6 किसानों की 10.5 हेक्टेयर जमीन सिर्फ 79 लाख में नीलाम करके सरकारी अधिकारियों के नेतृत्व में ही बैंक वालों ने दौसा में 6 किसानों की खेती की जमीन नीलाम कर दी। 1.40 हेक्टेयर कृषि भूमि की नीलामी 11 लाख रुपए लगती है। अगर इससे ज्यादा कोई बोली लगाना चाहता है तो तहसील कार्यालय थानागाजी में पधारे। दौसा में कच्चे मकान में रहने वाले कजोड़ मीणा के परिवार की कहानी आप जरूर देखिए, जिन्होंने मरधरा ग्रामीण बैंक से 2010 में 7 लाख रुपए का कर्ज लिया, 2017 में डिफॉल्टर हुए, कर्ज माफी का सरकारी वादा 2018 के बाद अधूरा रहा, दावा है बैंक से कुर्की के नोटिस ने सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया। दावा है कि 1.5 करोड़ की बाजार कीमत वाली खेती की जमीन को बैंक वालों के कहने पर SDM ने कर्ज वसूलने के लिए 46 लाख में नीलाम कर दिया, क्योंकि बैंक को तो कर्जा वसूलना होता है और सरकारी अधिकारी नीलामी करा के सरकारी खजाने में कमीशन भरते हैं। क्या है, हमारे पिताजी लोन लिए हैं बैंक से, हम निवेदन किए हैं और हमारे से लाभ नहीं चुका है, हमारी स्थिति बिल्कुल डाउन है, हमारे से अभी की टाइम पे प्रेजेंट में नहीं लग रहा है, हम मौका भी मांगा था, मौका नहीं दिया हमारे को और अभी लग नहीं पा रहा है साहब। हम हमारी जमीन की आज तहसील में नीलामी करने के लिए बोल रहे थे, हम इस चुकाने में असमर्थ है, हम कहाँ पर जाएंगे, हमारी नीलामी हो जाएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। 2018 में कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले राजस्थान में वायदा किया था कि किसानों का ऋण माफ किया जाएगा, क्या ये हुआ है? आज हम दौसा जिले में हैं और यहाँ पर ऐसे कई किसान हैं जिनका ये कहना है कि उनको कुर्की के नोटिस आ गए हैं और इनकी अगुवाई करने के लिए यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे हैं। राकेश जी, आप यहाँ पर आए हैं, किसानों की आपने बात सुनी है, क्या उन्होंने कहा है आपको? उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे जो KCC उन्होंने ले रखा था, उन KCC को जमा नहीं कर पाए किसान, क्योंकि यहाँ की फसलें बर्बाद होती रही। एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, फसलें या तो ज्यादा बारिश से खराब होगी, मतलब वो पैसे जमा नहीं कर पाए और इनके पास में बहुत नोटिस आए, इनकी जबरदस्ती जमीन नीलाम करी जाती है। दौसा से ऐसे ही सरकारी विश्वासघात पाए किसानों का परिवार जयपुर पहुंचता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इंसाफ मांगने के लिए। राहुल गांधी के 10 दिन में कर्ज माफी के 3 साल पुराने वादे को याद कराने के लिए
वोट लेते वक्त हाथ जोड़ने वाले मुख्यमंत्री से पुलिस किसान परिवार को नहीं मिलने देती। आपके साथ क्या हुआ है? आपके साथ क्या हुआ है? जमीन की नीलामी लागी है मेरे जमीन की कर ली। मैं निजर पा चप्पल और हमारे ससुरा ने आत्महत्या कर ली और दनु कर हमारे घर आज हमारे जमीन को नीलाम कर ली। राजस्थान में अब ऐसे ही किसानों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो सकती है जो बैंक से मिल रहे कुर्की के नोटिस या फिर बैंक के हाथों नीलाम कर दी गई अपनी जमीन को हासिल करने के लिए एड़ियां रगड़ने के लिए मजबूर किए गए। देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर किसान जो हैं वो मुख्यमंत्री निवास पहुँचे हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री निवास है। यहाँ पर अधिकारी सारे तैनात हैं, पुलिस बल तैनात है और इस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास के बाहर ये किसान पहुँच गए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपनी बात पहुँचाई जाए। वो किसान है जिनके जो लोन लिया था और लोन लेने के बाद अब इनके कुर्की के नोटिस आ रहे हैं, इस तरह के नोटिसेज आ रहे हैं। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा परेशान किसानों को लेकर जयपुर में सीएम आवास पहुंचते हैं, पुलिस रास्ते रोक देती है, हिरासत में ले लेती है। नंबर डायल कर। मामला यह है कि इनकी जमीन कुर्क कर दी, जमीन कुर्क की जा रही है, घोषणा के बाद भी जमीन कुर्क की जा रही है, जबकि सरकार ने यह कहा था जमीन का खर्चा माफ करेंगे। किसान आंदोलन में जिन राकेश टिकैत के मुखर होने पर कांग्रेस खुश होती रही, वो टिकैत किसानों की जमीन नीलामी की खबर पाकर रात में ही दौसा के रामगढ़ पचवाड़ा पहुंच गए, चेतावनी अब कांग्रेस सरकार को दी। चुनाव उत्तर प्रदेश पंजाब में हो रहे हैं, किसान के मुद्दे पर बढ़ता तनाव देख गहलोत सरकार सक्रिय हुई, जानती थी कि नुकसान हो सकता है, इसीलिए जो मंच से 10 गिना कर कर्ज माफी का वादा करते थे वो ट्विटर से अब कुर्की नीलामी रोकने का ट्वीट करने लगे, लेकिन बैंक कब तक रुकेंगे? एक एक करके किसान जो यहाँ पर आए हुए थे इनको गाड़ियों में बैठाया जा रहा है। तो ये एक नजारा है जो दिखाता है कि कांग्रेस ने जो वादा किया था वो वादा उन पर कितना भारी पड़ रहा है, कि इस तरह से किसानों को लेके जाया जा रहा है मुख्यमंत्री कार्यालय में जहाँ पर अधिकारी इनसे बातचीत करेंगे। पुलिस वैन में ये वो लोग हैं जिन्हें कुर्की का नोटिस दिया गया है और ये सब चाहते हैं कि सरकार जो कुर्की का नोटिस है उस कुर्की के नोटिस को खत्म करे